हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो गाइस, एसबीआई पीओ 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम 6 नवंबर को यहाँ पर ओवर हो चुका था। उसके बाद हमने कुछ पोल्स कंडक्ट कराए, चाहे वो टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो उस पर, और जनरली स्टूडेंट्स के व्यूज देखे। अपने जो पेड स्टूडेंट्स थे हमारे, जिन्होंने बैच चलाया था, उसमें ऑलमोस्ट 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा, उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हम नतीजे पर पहुंच पाए, मैं आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट। देखिए, शिफ्ट्स में ना बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। आप लोग भी फील कर रहे होंगे अपने आसपास जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे, कि शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। किसी शिफ्ट में कोई चीज बहुत ईजी मिली, तो किसी शिफ्ट में चीजें उतनी ईजी नहीं मिली। इवन किसी में क्वांट्स तो बहुत ही डिफिकल्ट मिला। जैसे कि हम फोर्थ की, थर्ड शिफ्ट की बात करें, 4 नवंबर की, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिले, किसी में इजी लेवल भी देखने को मिला। तो डेफिनेटली देखो, नॉर्मलाइजेशन एक अपना रोल प्ले करेगा। पर क्या नॉर्मलाइजेशन इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी? आप लोग अपने व्यूज बताना। क्या नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से एक्यूरेसी पर बेस्ड है? एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो क्या आप नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छे, या इंक्रीज कर सकते हैं? तो अदरवाइज मेरी साइड से ऐसा देखो जरूरी नहीं। क्वेश्चंस का ना एक क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, जनरली एक वीडियो है वैसे पुरानी, मैं आपको अपलोड करा दूंगा इस पे। जो क्वेश्चन सबने, मानो शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में ज्यादातर लोगों ने कोई क्वेश्चन अगर स्किप किया है, तो उस क्वेश्चन, या क्वेश्चन गलत है किसी का, तो उस क्वेश्चन को क्या माना जाता है? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। और जिस क्वेश्चन को सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसको, या और सही किया है उसको, कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन माना जाता है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सही करने वाले लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मार्क्स प्लस होते हैं। आप समझ रहे हैं ना कैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं? तो वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। जिन्होंने वो गलत किया है उनके मार्क्स डिक्रीज होते हैं, जिन्होंने इजी वाला गलत किया है उनके मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। चलो, नॉर्मलाइजेशन की बात अलग वीडियो में करेंगे, फिलहाल बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। देखते हैं पहले 1 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट देख लीजिए, क्वांट्स के, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, और साथ में ओवरऑल कितने गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं। गाइज, ये अटेम्प्ट्स हैं, ये कट ऑफ नहीं है। अटेम्प्ट्स जो है ज्यादा ही होते हैं, कि फिर अगर पेपर जितना भी डिफिकल्ट आता है उतने ही अटेम्प्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। मैंने ऐसा जनरली देखा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी पे फिर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी कम हो रहे होते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। तो ये अटेम्प्ट्स हैं, ये कट ऑफ नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये नहीं है, ठीक है? कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ अटेम्प्ट्स हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट 1 नवंबर इंग्लिश में देखें, 22 से 24, क्वांट्स में 20 से 22, रीजनिंग में 24 से 26, ओवरऑल अटेम्प्ट्स 66 से 72 माने जाएंगे। शिफ्ट सेकंड में देखें, इंग्लिश 20 से 22, इंग्लिश देखो मॉडरेट ही, 20 से 25 के बीच में स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, इतना है। क्वांट्स और रीजनिंग ने ही थोड़ा वैरी किया है। फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट डे में ज्यादातर शिफ्ट में कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला, है ना? 1 नवंबर को चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बस शिफ्ट थर्ड में थोड़ा सा हमें क्वांट्स, मतलब क्वांट्स देखो ओवरऑल ही यहाँ पर सिमिलर, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट, मॉडरेट में भी अपर मॉडरेट साइड जो है क्वांट्स यहाँ पर देखने को मिला है। रीजनिंग में बात करें तो फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा सा रीजनिंग में भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली, तो आप अटेम्प्ट देख सकते हैं वहां पर थोड़े से हाई चले जा रहे हैं, 63 से 67, जबकि 63 से 69, 66 से 70, है ना? तो ये अटेम्प्ट इसके, ये गुड अटेम्प्ट हैं सेक्शन वाइज और ओवरऑल। ध्यान रखिएगा, ये गुड अटेम्प्ट हैं, ये कट ऑफ नहीं है। 4 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में फर्स्ट शिफ्ट में देखें आप क्वांट्स, फोर्थ में तो क्वांट्स ने मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे कि हद ही कर दी। क्वांट्स जो है यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया, मतलब मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा उसको, प्रीलिम्स के हिसाब से उसका लेवल जो है वो डिफिकल्ट था पूरे ही 4 नवंबर को। स्पेशली बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला क्वांट्स में, बहुत ही कैलकुलेटिव। रीजनिंग भी उस हिसाब से अटेम्प्ट देखो गिर रहे हैं, और ओवरऑल अटेम्प्ट भी उस तरीके से गिरते जा रहे हैं। अब जहां पर इनके 64 के आसपास जिनके अटेम्प्ट होंगे ना, उनके मार्क्स डेफिनेटली गिरेंगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है? वहीं अगर शिफ्ट टू की बात करें तो 61 से 70, यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट 70 तक भी पहुंच रहे हैं। रीजन मैंने आपको बताया, जब भी थोड़े डाउन हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में मार्क्स, तो
क्या जनरल टेंडेंसी होती है कि नेक्स्ट में जो है थोड़े से हाई अटेम्प्ट्स रखें, और जिस वजह से ये जो है ओवरऑल जो हमारा ये है क्या नाम है गुड अटेम्प्ट्स, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ हाई रहेगा इसके, नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शिफ्ट वाइज है, फोर्थ का और सिक्स का भी। यहाँ पर सिक्स में भी क्वांट्स जो है वो टफर साइड ही रहा, ठीक है, कहीं भी इजी या मॉडरेट साइड भी नहीं रहा। रीजनिंग का सेम लेवल रहा है ऑलमोस्ट, इंग्लिश भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम रहा है, मेन वेरिएशन क्वांट्स में हमें देखने को मिला। तो ये 6 नवंबर का यहाँ पर ओवरऑल है रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट्स का है। अब बात करेंगे देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जो बाकी रिसर्च हमने किया उसके अकॉर्डिंग कहती है, तो जनरल EWS एंड OBC 52 से 55 के बीच में कट ऑफ वेरी करना चाहिए, और SC ST कैटेगरीज के लिए 49 to 51 इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो वेरी करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगा, आपके अटेम्प्ट अगर इस बीच में है, इवन आपने अगर एग्जाम दिया है तो कहीं से आप रेस में हैं, जब तक कोई उसके एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप रेस में, तो मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिए, मेंस की प्रिपरेशन कहीं भी छोड़नी नहीं है। अब 5th को ही इसका मेंस है, आने ही वाला है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उस सीरीज के लिए आपको इस चैनल पर बहुत हेल्प मिल रही है। ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है कैट लेवल की, जिसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, उसको आप फॉलो करना ना भूलें, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, जिसके साथ हमारे सभी मॉक टेस्ट फ्री है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।